Hello everyone. In today's video, we will do poem The Rebel. Its poet is DJ Enri. Rebel. Rebel is a person who does the things opposite to the normal human beings. Rebel वो व्यक्ति होता है जो normal person जो भी काम करता है वो उसके opposite करता है. Means हम कहेंगे दिन तो वो कहेगा रात. तो एक मिल्क टोटली अपोजिट पर्सन, उसके बारे में ये कंट्रास्ट है ये पोएम. इसमें पोइट ने रिबेल के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. लेट्स सी द ओवरव्यू. डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स. क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपसे या आपके मित्रों से हमेशा असहमत रहता है और लाइक्स टू डू अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, या जो काम सभी लोग करना चाहते वो उसके विपरीत काम करता है, उसके अपोजिट करता है बिल्कुल. थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. कोई एक ऐसा शब्द सोचो जिससे उस आदमी को का डिस्क्राइब किया जा सके एक वर्ड से. डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज. अपने पार्टनर के साथ, अपने साथी के साथ इस बात पे चर्चा करो और ऐसा व्यक्ति प्राय कौन कौन से काम करता है उनकी एक लिस्ट बनाओ. जैसे या उसके बारे में सोचो या समझो कि आखिर वो क्या क्या करता है. आपके सामने क्या कोई ऐसा पर्सन है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, जब सबके बाल छोटे होते हैं, द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. जो रिबेल, जब सबके बाल छोटे होते हैं, विद्रोही अपने बालों को लंबा होने देता है. व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. जब सबके बाल लंबे होते हैं तब जो रिबेल होता है वो अपने बालों को कटवा लेता है. व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल डजंट से अ वर्ड. जब सभी पार्ट्स पढ़ते वक्त या चैप्टर पढ़ते वक्त सभी चुप करके उसमें बातें करते हैं तो रिबेल क्या करता है, डजंट से अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोलता. व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस. और जब सब बच्चे जैसे पाठ पढ़ते वक्त कोई भी नहीं बोलता है तो रिबेल उस टाइम पे सभी के लिए परेशानी खड़ी करता है. डिस्टर्बेंस मीन्स परेशान करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. क्रिएट मीन्स होता है उत्पन्न करना. व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म द रिबेल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स. जब सभी लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो जो रिबेल होता है वो शानदार कपड़े पहनता है. शानदार इन द सेंस जैसे घर के कपड़े, अच्छे स्टाइल वाले फैशनेबल कपड़े. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses in soberly. और जब सभी बच्चे फैंसी क्लोथ्स या फैशन वाले क्लोथ्स पहनते हैं वो बिल्कुल सिंपली तैयार होता है. सोबरली मीन्स बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनता है. इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. कि जब वो कैट डॉग लवर्स के बीच में बैठा होता है तो वो कैट्स के बारे में बात करता है कि उसको तो कैट्स पसंद है या उस टाइप की चीज़ें. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. और जब वो कैट लवर्स के बीच में बैठा होता है तो उसका अपोजिट करता, कैट्स की तारीफ नहीं करता, किसकी तारीफ करता है, डॉग्स की. ये उल्टा करता है बिल्कुल, जो सब करते हैं वो उससे उल्टा करता है, बिल्कुल अपोजिट उसका काम करता है. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब सभी सूरज की तारीफ कर रहे होते हैं तो रिबेल क्या करता है, बारिश की डिमांड करता है कि काश की बारिश हो जाए. When everybody is greeting the rain, जब सभी वर्षा का स्वागत कर रहे होते हैं तो वो क्या करेगा, नेचुरली विद्रोही है, रिबेल है तो ये इसमें भी उल्टा ही करेगा. द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. वो उस चीज़ पे रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा या खेद, भाई हाए आज तो सूरज ही नहीं निकला, इस टाइप से कि वो उसके ऊपर रिग्रेट करता है. व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक. जब सभी सभा में जाते, ग्रीटिंग्स यहाँ पे होता है कोई भी जैसे
मंदिर में जाना, इस टाइप सभी चीज़ें हो सकती हैं, ग्रीटिंग्स वो भी होता है, या किसी का स्वागत करने के लिए जाते हैं इस टाइप से, तो वो घर में बैठ के बुक पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, और जब सभी घर पे बैठते हैं और बुक पढ़ते हैं, रिबेल क्या करता है, द रिबेल गोज टू द मीटिंग, वो सभा में जाता है, वो सबका उल्टा ही करता है। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, द रिबेल सेज नो थैंक यू, जब सभी कहते हैं हाँ कृपया, प्लीज़ यस प्लीज़ हाँ करते हैं किसी चीज़ के लिए, द रिबेल क्या कहता है, नो थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं, नहीं धन्यवाद। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, जब सभी कोई कहता है नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद, रिबेल सेज यस प्लीज़, वो हाँ कहता है उस चीज़ के लिए। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, ये कहता है कि पोइट कहता है कि ये अच्छा है कि हमारे पास रिबेल्स हैं, मे बी तुम्हें नहीं लगे कि रिबेल अच्छा नहीं होता, बट अच्छा है कि रिबेल हमारे पास है, इससे हमारी लाइफ में एक बन ये कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग बनी रहती है लाइफ की, हमारे अंदर एक उत्सुकता बनी रहती है, ये क्या करेगा, कई चीज़ें उल्टी करना भी अच्छा होता है और कई सीधी करना, कि रिबेल को हो सकता है बुराइयाँ सुननी पड़े, भाई आपको अच्छा तो नहीं लगेगा आपकी कोई बुराई करे, बट कई बार रिबेल होना भी अच्छा होता है पोइट के अकॉर्डिंग, कि रिबेल भी अच्छे होते हैं लाइफ में, इससे लाइफ इंटरेस्टिंग बनती है। थैंक यू वेरी मच।